तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग। जिन रास्तों पे मैं अभी चला हूँ, ये है बन्नी विलेज के रास्ते, जो कि भरमौर के जनजातीय एरिया में आता है। यहाँ पे आने के लिए आपको चंबा से लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा, और यहाँ तक आप अपनी किसी भी व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। तो आज जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं, वो है यहां का काफ़ी फेमस शक्ति पीठ, और उस मंदिर का नाम है बन्नी माता मंदिर। बन्नी माता का नाम नहीं है, आपको यहां काफ़ी बन के पेड़ देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर ही मंदिर का नाम बन्नी माता रखा गया है। मंदिर के लिए आपको बन्नी विलेज से कम 15 मिनट का पैदल सफ़र पूरा करना पड़ेगा। मैं हूं अभी बन्नी माता, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बन्नी माता का मंदिर। आपको एक बात का ध्यान रखना है, मंदिर के पास आपको सिर्फ एक ही दुकान देखने को मिलेगी, इसलिए अपना जरूरत का सामान पहले से ही रख ले साथ में। इस मंदिर के पास बसा एक छोटा सा गांव, और यहां से दिखने वाला नजारा आपके दिल और दिमाग को जरूर छू लेगा। हर साल हिमाचल और चंबा के विभिन्न जगहों से लोग यहाँ इस आस्था से आते हैं कि माता उनकी मन्नत जरूर पूरा करेगी। इस मंदिर से जुड़ी तीन खास बातें मैं आपको बताता हूँ। पहला, ये मंदिर लॉर्ड काली को डेडिकेटेड है। दूसरा, महाभारत की द्रौपदी के साथ इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है। तीसरा, जब भी गद्दी लोग यहाँ से कालीछो पास करके लाहौल के लिए निकलते हैं, तो यहाँ से जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेना वो भूलते नहीं है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।